जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस वक्त हम आपके बीच बात करने जा रहे हैं देवानंद और जीनत अमान के बारे में। चलिए हम आपको यहाँ हमारे इस खास रिपोर्ट में देवानंद और जीनत अमान के बारे में ये बता दें। कहानी ये बहुत पुरानी जरूर है, लेकिन जुड़ी है फिल्म इंडस्ट्री से। देवानंद हमारे बीच भले ना हो, लेकिन देवानंद एक ऐसे अभिनेता रहे जिनकी अभिनय, जिनका एक यूनिक स्टाइल, जिनकी अदाएं, जिनका अंदाज लोगों को उनकी तरफ खींचता था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मी जमाने में भी देवानंद की खूबसूरती, उनके स्टाइल और उनके अट्रैक्टिव लुक्स के लोग दीवाने थे, उनकी पर्सनालिटी के लोग दीवाने थे, उनका करिश्मा जो था बरकरार था। ऐसे में बात हम करेंगे कि कैसे इमोशनल हो गई थी जीनत अमान ये जानकर कि देवानंद उनके लिए फीलिंग्स रखते थे कभी। जी हाँ, आपको बता दे, साथ में इन्होंने फिल्म तो किया है हरे राम हरे कृष्णा, लेकिन अंदाजा नहीं था जीनत को कि देवानंद से इस कदर मोहब्बत करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिल खोलकर देवानंद इस दुनिया से जाने से पहले लिख चुके थे जीनत के नाम अपने प्यार का वो हर संदेश, जिसे सुनकर आज लोग रो पड़ते हैं। तो यहाँ 70 के दशक की बात की जाए तो जीनत अमान के नाम के बिना इतिहास पूरा नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री का 70 के दशक का। ऐसे में उस जमाने में जीनत अमान की बात जब होती है तो देवानंद के साथ उनकी फिल्में लोगों को याद आती हैं। साल 1971 की, जब 20 साल की थी उस वक्त जीनत अमान, और देवानंद ने उनके साथ काम किया था। 48 साल के थे देवानंद, तो इतने ज्यादा अट्रैक्ट थे देवानंद जीनत से उस वक्त। अ फैमिली मैन, दो बच्चों के परिवार के पिता होने के बावजूद भी अपने आप को वो संभाल नहीं पाए थे उनको प्यार किए बिना, लेकिन प्यार वो छुपा कर रख बैठे। उन्होंने लिखा था रोमांसिंग विद लाइफ 2007 में अपने ऑटोबायोग्राफी में, दिल का हाल बयां करते हुए कन्फेशन उन्होंने लिखा था, व्हेनेवर एंड वेरेवर शी वाज टॉक्ड अबाउट ग्लोइंगली आई लव्ड इट। जब भी जीनत की, जहां भी जीनत की बात होती थी मुझे उससे प्यार हो जाता था। जब भी जहां भी डिस्कशन होती थी अंदर से वही फीलिंग आती थी। जुबलिएंट जीनत अमान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हम दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच थे। एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि मैं जीनत से बेपनाह प्यार करने लगा हूँ पागलों की तरह। ये बात मैं उनसे कहना चाहता था, लेकिन ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही समय की मांग थी, और उस वक्त ये बात कह भी नहीं पाया था, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। जीनत ने ये बात लिखी, इसके बाद ये बात हमेशा दबी रह गई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।